हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे डोसे की रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान है। और इसके लिए एक दिन पहले से आपको दाल चावल भिगोने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रिपरेशन पहले से करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास से भीगे हुए मूंग या स्प्राउट्स है, आप इसे फटाफट से मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो या बच्चों का लंच बॉक्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया स्प्राउट जिसमें चने और मूँग का है। इसे बनाने के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो शेयर किया है कि स्प्राउट्स एक दिन में कैसे बनाते हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 कप स्प्राउट्स, 6 से 7 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्ची, थोड़ी सी धनिया पत्ती डंठल के साथ लेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा, 3 बड़े चम्मच राइस आटा, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसका जो टेक्सचर है वो दरदरा नहीं होना चाहिए, एकदम फाइन होना चाहिए, और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विडी और पानी डालकर इसे ना पीसे। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसे आपको मेंटेन रखनी है, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके बाद यहाँ पे इसे एक मिक्सिंग बाउल में डालकर रखते हैं साइड में। अब इसकी जो फिलिंग है वो बना लेते हैं। इसके लिए लिया है ग्रेटेड पनीर 200 ग्राम, गाजर, कटी हुई प्याज, कटे हुए टमाटर, इसके बीज निकाल लिए हैं, और इसके बाद डाला है चॉप किया हुआ कैप्सिकम। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो आप वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। धनिया बारीक कटी हुई, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, और उसके बाद ऑर्गेनो डाला है 1 छोटा चम्मच, साथ ही जो पिज्ज़ा मिक्स आता है सीजनिंग के लिए उसे डाला है 1 छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स डाला है 1 छोटा चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाला है, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड किया है मैंने चीज़, क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, उनके लंच बॉक्स के लिए, तो मैंने इसमें ऐड किया है 2 क्यूब्स चीज़। डालने से इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है, तो इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सा फीलिंग हमारा बनकर रेडी है। इस फीलिंग से आप पराठे भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए इसे रखते हैं साइड में, अब बनाते हैं डोसा। इसके लिए मैंने लिया है डोसे का पैन, और उसे अच्छे से मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया है, ऑयल लगा के एक कपड़े से मैंने उसे क्लीन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे और इसे भी अच्छे से पोंछ लेंगे। अब ये तवा रेडी है डोसा बनाने के लिए। तो अब बैटर जो उसकी कंसिस्टेंसी है, इस तरह से जैसे डोसे की होती है ना, उस तरह से हमें कर लेनी है। पहले थोड़ा थिक था, मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला है 2 टेबलस्पून, और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे बहुत अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। मैंने इसे छोटा ही बनाया है क्योंकि मैं लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ। आप अगर बड़ा चम्मच ले और बड़ा बनाना चाहे तो बहुत ईजिली ये बन जाता है, और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। उसके बाद इसे पलट देंगे, थोड़ा सा ही दूसरे साइड सेकेंगे और फिर से इसे पलट लेंगे। अब इसकी फिलिंग को रखकर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और ये हमारा जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सा डोसा है बनकर रेडी हो गया है। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, मैं एक और बनाकर दिखाती हूँ। बस इस तरह से तवे पे डालेंगे, अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, बहुत इजीली हो जाता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दें, अच्छे से ऑयल लगाएंगे, आप यहाँ पे घी भी लगा सकते हैं, और उसके बाद अच्छे से कुक हो जाने के बाद ही इसे पलटेंगे, हल्का सा बस दूसरी साइड सेकेंगे, और उसके बाद फिर से वही हमारा स्टफिंग इसके ऊपर रख कर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और ये बनकर रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार तो इसे आप ज़रूर बना के देखिएगा, और इतना हेल्दी है, और आप चाहे तो इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा डोसा बनकर रेडी है। इसे आप चटनी के साथ, सांभर के साथ, सॉस के साथ, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, और ये ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पनीर, चीज़ एंड वेजिटेबल्स का स्टफिंग है, तो इससे किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप खाना चाहें तो इस तरह से चटनी के साथ या सांभर के साथ या नारियल की चटनी के साथ, जिसे जैसा भी पसंद है आप खा सकते हैं। इस डोसे को बनाने के लिए आप चना, मूँग या कोई भी स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ईजिली ये बन जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, हेल्दी भी है, वेट लॉस में है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसे विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई और हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर।